हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप हायर मैथमेटिक्स के साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट मैंने अभी जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड करना स्टार्ट करी और ये जो सीरीज है ये CSIR-NET की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है। स्टूडेंट अगर आप CSIR-NET की तैयारी कर रहे हैं विथ लाइफ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो मेरा ये वाला जो चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब है यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट इससे पहले मैंने जो आपके सामने वीडियोस अपलोड किया था प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट पे उसमें मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे, उन दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ तो वो भी आप वहाँ पे देख लीजिए, फिर उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड एंड CSIR-NET सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ले रहा हूँ मैं और प्रोबेबिलिटी पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, CSIR-NET दिसंबर 2019 में पूछा गया और क्या क्वेश्चन है, अ मल्टीपल चॉइस हैज फोर क्वेश्चंस एंड ईच विद फोर आंसर चॉइसेस। स्टूडेंट यहां पे चार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और हर में यहां पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। एवरी क्वेश्चन हैज ओनली वन करेक्ट आंसर, हर एक में करेक्ट आंसर वन है, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल आंसर करेक्ट बाय द इंडिपेंडेंट रैंडम गेसेस फॉर द ईच वन इज, स्टूडेंट यहां पे चारों क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट लिया है और करेक्ट किया है विद द इंडिपेंडेंट रैंडम गेसेस, राइट। तो आपको पता लगाना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक ऑप्शन राइट होगा तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो पहला क्वेश्चन राइट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, एंड आएगा यहाँ पे एंड, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तीसरा क्वेश्चन सही किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड चौथा क्वेश्चन सही किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर आपसे पूछा जाता है कि चौथा गलत किया है तो 1/4 एंड 3/4 हो जाता, राइट। पर चारों सही किए इसने यहाँ पे तो 1/4 × 1/4 × 1/4 तो यहाँ पे आएगा 1/4 power 4 एज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम करते हैं। स्टूडेंट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जून 2017 में पूछा गया क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, 12 बॉल 3 ईच कलर रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू एंड येलो। स्टूडेंट ये 2019 का क्वेश्चन है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, 2019 में पूछा गया 12 बॉल और दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा गलत हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो 12 बॉल 3 ईच ऑफ कलर रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड येलो आर पुट इन द बॉक्स। स्टूडेंट एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास तीन टाइप की बॉल्स है, थ्री इज रेड एंड थ्री इज ग्रीन थ्री इज ब्लू एंड थ्री इज येलो। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ बोल रखा है थ्री, अरे भैया यहाँ पे 12 बॉल है और तीन हर कलर की है, राइट। तो ऑब्वियसली 12 बॉल है, तीन सभी कलर की होगी, राइट, है ना। पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स इफ थ्री बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, हमने तीन बॉल यहाँ पे निकालिए बाहर निकाले, राइट, विदाउट लाइक विद रैंडम, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट थ्री बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। आपको ये पता लगाना है कि तीनों जो बॉल है उसका सेम कलर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट सेम कलर का मतलब क्या होता है, तीन निकाल रहे हैं या तो तीनों क्या हो जाए रेड 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 हो जाए या फिर, है ना, प्लस आएगा, या फिर तीनों ग्रीन 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 हो जाए या फिर तीनों क्या हो जाए, यहाँ पे अपने पास क्या है, ग्रीन है ब्लू है एंड येलो है। इसमें यहाँ पे अगर आप थ्री रेड है थ्री ग्रीन है और ये ब्लू है, एक्चुअली ब्लू है ना, सो हमारे पास क्या होगा, थ्री ब्लू हो जाए एंड थ्री येलो हो जाए, राइट, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। स्टूडेंट यहाँ पे टोटल कितनी बॉल है, 12 बॉल है, 12 बॉल में से तीनों के तीनों रेड निकले, है ना। तो स्टूडेंट टोटल बॉल कितनी 12 और 12 में से तीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12c3। अब तीनों रेड निकले, स्टूडेंट यहाँ पे रेड कितनी तीन है और तीनों की तीनों रेड निकल जाए तो 3c1 प्लस इसी टाइप से यहाँ पे क्या 3 ग्रीन निकले तो 12c3 और 3c3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये 12c3 और ये क्या आएगा 3c3 क्योंकि तीनों ब्लू है प्लस स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 12c3 एंड यहाँ पे क्या आएगा ये 3c3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम जानते हैं 3c3 एक्चुअली ये 3c3 आएगा तीनों की तरह, 3c3 की वैल्यू 1 आती है। स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं 3c3 कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको बताना चाहता हूँ कि 12c3 कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट परमोटेशन कॉम्बिनेशन पर अगर आपको वीडियो देखना तो यहाँ पे आईटेब पे जाके आप देख लीजिए कैसे इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा मैंने कंसेप्ट वहाँ पे अपलोड कर रखा है। 12c3 कैसे निकालते हैं, स्टूडेंट 12 को तीन बार उल्टा कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए 11 × 3 10 और इसको लिख दीजिए 1 × 2 × 3, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3 और 2 6 और कैंसिल करेंगे तो 2 और ये आएगा आपके पास कितना रहा 10 20 एंड 20 2 2 2 2 2 0, राइट। तो 220 वैल्यू है ना, तो इन सब की वैल्यू रख दीजिए आप। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये आएगा 1/220, है ना, प्लस 1/220, है ना, प्लस 1/220, है ना,
प्लस 1/220 राइट, इसमें 220 का एलसीएम आ रहा है तो ऊपर 4 हो जाएगा, है ना। आप जब इसको ऐड करोगे तो इसमें आएगा 4/220, है ना, और 4/220 को कैंसिल करेंगे तो 1/55 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन क्या आएगा हमारा, करेक्ट आएगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम करते हैं। और वैसे भी आप 12C3 का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 111 आएगा तो 4/12C3 तो ये आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, ये जून 2017 में पूछा गया और क्या बोल रहा है, अ फेयर डाई वाज थ्रोन 3 times एंड द आउटकम वाज रिपीटेडली 6। स्टूडेंट 3 बार उछाला और तीनों बार 6 आ रहा है। स्टूडेंट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ये जो मैंने पहले करा वैसा का वैसा क्वेश्चन है ना, और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी देने वाला हूं, तो आपको इसी कंसेप्ट बेस्ड है ना। इफ द डाई इज थ्रोन अगेन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। स्टूडेंट हर बार 6 यहां पे कह रहा, फेयर डाई वाज थ्रोन 3 times द आउटकम वाज रिपीटेडली 6, हर बार 6 आ रहा है ना। इफ द डाई इज थ्रोन अगेन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास जो डाई होती है उसका जो आउटकम होता है, सैंपल स्पेस होता है, वो होता है 1/1, 3, 4, 5 and 6, और हम जानते हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6 होती है। चूंकि यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट बोला गया है ना, हर जो भी हमारे पास हो रहा है वो हमारे पास रिपीटेडली है, यहाँ पे 1/6 आ रहा है एंड देन हम यहाँ पे वापस इसको थ्रू कर रहे हैं अगेन, है ना, तो इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1/6 ही आएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट है ना, क्योंकि पहले से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो 1/6 इज द राइट आंसर। इसमें दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकटलेस ट्रेवलर इज कॉट ड्यूरिंग ए ट्रिप इज 0.1। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन अभी भी इस बार एग्जाम में आया था दिसंबर 2019 में, और वो क्वेश्चन था कि एक पर्सन है वो सही बोलता है या क्वेश्चन सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, या सही बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन एक बता देता हूं, है ना, एक पर्सन है जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है, ए पर्सन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, राइट। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, है ना। तो टोटल हमारे पास जो केस आते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट, ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व कर दे, या फिर ऐसा हो कि ए से ना हो, बी सॉल्व कर दे, या फिर बी ए से हो जाए, बी से नो, इन सभी केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। पर एक केस ऐसा होगा जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, राइट, वो होगा ए बार बी बार, दोनों से ही नहीं हो। पर हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, इन चारों केस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। पर हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए बी प्लस ए बार बी, है ना, प्लस ए बी बार निकालना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस ए बार बी बार को उधर लेके जाएंगे तो 1 - a बार b बार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, 1 - दोनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो क्या आएगा, 1 - देखो इससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नहीं होने की क्या होगी, 1 - 1/2 क्या आएगी, 1 - 1/2 आएगी, राइट। इससे ना हो तो क्या होगा, 1 - 1/3, है ना, 1 - 1/3, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए आप तो ये 1/2 आएगा, और स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1/2 और ये आएगा हमारे पास 2/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 2/3 आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगाने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकटलेस ट्रेवलर्स कॉट ड्यूरिंग ए ट्रिप इज 0.1, है ना, वो पकड़ में आता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है, राइट। इफ द ट्रेवलर मेक्स 4 trips, अगर वो वहाँ पे 4 ऐसी ट्रिप कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही एंड शी विल द कॉट ड्यूरिंग एटलीस्ट 1 ऑफ द ट्रिप। स्टूडेंट एटलीस्ट एक ट्रिप में वो पकड़ में आ जाए, तो जब भी ऐसा आता है कि एटलीस्ट 1, तो हम क्या करेंगे, 1 - चारों बार पकड़ में ना आए, है ना, चारों बार क्या आ जाए, पकड़ में ना आए, है ना। देखो यहाँ पकड़ में आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो 1 - क्या करेंगे, 1 - चारों बार पकड़ में ना आए, राइट। तो देखो पकड़ में आने की प्रोबेबिलिटी 0.1 में, कॉट ऑरा 0.1 है, तो नहीं पकड़ में इसकी वैल्यू क्या, 0.9, और चारों बार ना आए, है ना। तो पहले बार 0.9, दूसरे में नहीं आए 0.9, तीसरे में नहीं आए 0.9, चौथे में नहीं आए 0.9, क्लियर है, है ना। तो स्टूडेंट यहां से इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 0.9 की पावर 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब भी एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 1 विल हिट द टारगेट, एटलीस्ट मतलब 1 time वो कॉट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ऐसे में क्या करेंगे, 1 - चारों बार नहीं हो, राइट। तो 1 - चारों बार कॉट नहीं हो तो उसको हम निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो क्या हो रहा है, ए को सॉल्व करने की प्रॉब्लम 1/2, बी को सॉल्व करने की प्रॉब्लम 1/3 दे रखी है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इसका क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे, 1 - दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो उसको माइनस करेंगे, तो वो केस आ जाएंगे जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हमारे पास दिसंबर 2013 में पूछा गया, द स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, What is the probability that the 3 friends gets in the same group? स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ग्रुप है ना,
मान लीजिए ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है और ये डी ग्रुप है ना, ये चार ग्रुप है आपके पास राइट, ए बी सी डी है ना राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्री स्टूडेंट्स गेट इन द सेम ग्रुप। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों स्टूडेंट सेम ग्रुप में हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी राइट। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, चार ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है ना, 1/4 होती है राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों स्टूडेंट सेम ग्रुप में होने चाहिए, तो मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तीनों तीनों हो जाए तो 1/4, पहला भी उसमें आ जाए, दूसरा भी उसमें आ जाए, तीसरा भी उसमें आ जाए, या फिर ऐसा हो, या फिर है ना, जब भी ऐसा वर्ड आता है और आता है तो प्लस आता है ना, या फिर ऐसा हो कि इस वाले ग्रुप में आ जाए 1/4, 1/4, 1/4, या फिर ऐसा हो कि इस थर्ड वाले ग्रुप में आ जाए, ऐसा हो, ऐसा हो, या फिर ऐसा हो कि वो डी वाले ग्रुप में आ जाए, ऐसा, क्लियर है। तो सुनो यहां पे कितना आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम आ रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट, 1 × 1/4 × 1/4 × 1/4 हो जाएगा राइट, है ना, एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ही बीच में, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/16 इज द आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट राइट। इसमें एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके CSIR नेट में पूछा गया और ये ज्योमेट्री कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। अ पॉइंट इज चूजन एट रेंडम दैट अ सर्कुलर डिस्क शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाइज इन द सेक्टर OABC। स्टूडेंट एक पॉइंट है वो इस सेक्टर में लाई करे, मतलब आपसे पूछा जा रहा है इसमें लाई करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया है ना, और जो हमारा फेवरेबल एरिया वो ऊपर आ जाएगा राइट। तो फेवरेबल एरिया स्टूडेंट ये कौन सा होगा, सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास थीटा कितना है, एक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे एंगल जो दे रखा है वो क्या है, एक्स है। तो स्टूडेंट इसका जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, एक्स अपॉन 360 πr², दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर राइट, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, सो टोटल एरिया ऑफ दिस इज πr². स्टूडेंट πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x अपॉन 360 और स्टूडेंट 360 को हम क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं है ना, बिकॉज π इज 180, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको इस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन मैंने कमेंट बॉक्स में पूछे थे आपसे, और क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स द वर्ड UGC CSIR सो दैट यू एंड आई कैन नॉट कम टूगेदर। आपसे पूछा जा रहा कि वो साथ में ना आए, ऐसे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यू और आई साथ में नहीं आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से साथ में आने वाले अरेंजमेंट माइनस कर देंगे ना, क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से साथ में आने वाले अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे, तो वो अरेंजमेंट आएंगे जिसमें यू और आई साथ में नहीं आ रहा है ना। तो इसमें टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, UGC CSIR को हम कितने तरीके से जमा सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 7 है ना, 7 factorial, और स्टूडेंट यहाँ पे सी और सी डबल बार रिपीट हो रहा है राइट। देखो अगर परमोटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है तो आई टेप पे जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा राइट। स्टूडेंट डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा, 2 factorial, ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यू एंड आई कैन नॉट कम टुगेदर, तो मैंने आपको बोला है कि साथ में वाले ऑप्शन निकाले, तो हमने साथ में माना कि यू और आई साथ में आ रहा है, तो हम इसको एक ब्लॉक में पैक कर देते हैं। अब क्या होगा, ये सी सी है ना, जी आएगा यहाँ पे, जी सी सी एंड एस और आर राइट। हमने मान लिया कि यू और आई साथ में आएगा है ना, साथ में आएगा, तो इसको हमने 1 मान लिया, ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसको कितने तरीके से जमा सकते हैं, 6 factorial, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, सी सी दो बार रिपीट करा, डिवाइडेड बाई 2 factorial, और इस यू और आई को साथ में लेना है ना, तो यू और आई और आई और यू दो तरीके से जमा सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 राइट। अब मैंने आपको क्या बोला, टोटल अरेंजमेंट में से यू और आई साथ में आने वाले अरेंजमेंट को माइनस करेंगे, तो वो अरेंजमेंट आएंगे जिसमें यू और आई साथ में नहीं आएगा राइट। तो इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है, इसमें ये 2 factorial से 2 factorial कैंसिल हो गया, 7 factorial को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 6 factorial × 7 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 − 6 factorial, स्टूडेंट यहाँ पे 6 factorial कॉमन आ रहा है, तो यह आएगा ये 7/2 − 1, स्टूडेंट 6 factorial की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट, 6 factorial को हम कैसे लिखते हैं, 6 factorial को हम लिखते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 720, इसको मल्टीप्लाई करिए 720 आएगा राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 720, और स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 7 में से क्या था, 5/2 है ना, 5/2 राइट। स्टूडेंट्स को आएगा ये आएगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 360, एंड 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम करते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको करेंगे। तो ये भी काफी सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया इसका, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल पेयर ऑफ डायगोनल ऑफ कॉन्वेक्स ऑक्टागन है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि जो कॉन्वेक्स ऑक्टागन है ना, जब इसके हम
डायगोनल्स को ट्रेस करते हैं, है ना, तो कितने पॉइंट पर वो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल दूंगा आपके पास स्क्वायर का। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर दो डायगोनल ट्रेस करें तो कितने पॉइंट पर कनेक्ट करता है एक दूसरे को, वन पॉइंट पर कनेक्ट करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 4C4, है ना, जितनी भी साइड है C4 कर दीजिए ना, तो वो उसका आंसर आएगा, तो वन आंसर आएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर इसके लिए बताइए, है ना, ठीक है, हम फाइव साइड्स के लिए लेते हैं ना, फाइव साइड्स के लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो एक तो ये आएगा, दूसरा ये आएगा, है ना, एक ये आएगा हमारे पास, दूसरा ये आएगा हमारे पास, और तीसरा हमारे पास ये आएगा, राइट। इसमें यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट और पाँच पॉइंट। तो इसमें क्या फार्मूला होता है इसका, 5C4, और 5C4 की वैल्यू कितनी होती है, 5, राइट। ऐसे यहाँ पे अगर एट, जब हम एट ऑक्टागन करेंगे तो ऑक्टागन के जितने भी हम लोग यहाँ पे ट्रेस करेंगे डायगोनल, तो वो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपको पता लगाना कितने पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आएगा 8C4, कितना आएगा 8C4, और 8C4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, 1 × 2 × 3 × 4। इसमें ये कैंसिल होगा तो ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2, तो ये 70 आंसर आ रहा, सो 70 इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। स्टूडेंट दिसंबर 2018 में पूछा गया और जून 2013 में पूछा गया, 10 out of 6 अनबायस कॉइन, 5 are toss इंडिपेंडेंटली एंड दे आर रिजल्ट इन द हेड्स, इफ द 6 इज नाउ इंडिपेंडेंटली टोस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, द 2 इंटीजर आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर विदाउट द रिप्लेसमेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर इज 20। स्टूडेंट ये भी आपको करना है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप करिए। स्टूडेंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोज बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, काफी सारे लाइक लगता है, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जहां तक आप फैला सकते हैं वहां तक फैलाइए, क्योंकि वही है कि हम जब वीडियोस अपलोड करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुंचे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, ना मैं कुछ फीस चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए बस, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर तक पहुँचाइए वहाँ पर, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और स्टूडेंट लास्ट में मेरे वीडियोस हैं, ये मेरे जो वीडियो है ये जनरल एप्टीट्यूड पे जो CSIR-NET की जो प्लेलिस्ट है ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये मेरे यहाँ पे एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, ये मेरे दोनों चैनल है स्टूडेंट, ये मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मेरा हायर मैथमेटिक्स का चैनल, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट हो यहाँ पे जाके देख सकता है। और ये जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज है, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, फॉर लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय बाय।